उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक है आज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी बीजेपी की आज क्लास लेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकता है, मंत्रिमंडल पर भी विस्तार संभव। योगी समेत सभी नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की आज अहम बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लेंगे यूपी बीजेपी की क्लास, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जी नमस्कार। सर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक है। तो संगठनात्मक एक रूटीन बैठक है, संगठन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन हमारे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को प्राप्त होगा। हरीश जी, खबर ये भी आ रही है इसमें कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो काफी दिनों से चर्चा में था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस पर भी चर्चा हो सकती है आज। नहीं, जो कुछ भी देखिए, संगठन से संबंधित जो भी मार्गदर्शन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश को नेतृत्व को मिलेगा, और समय समय पर संगठन की ये बैठकें होती रहती है और जिसमें जो विभिन्न पार्टी के कार्यक्रम है उनकी चर्चा होती रहती है, आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होती रहती है। लेकिन चर्चाएं होती रहती है हरीश जी, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी अध्यक्ष जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और वही यूपी बीजेपी की क्लास लेंगे। शायद हरीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक है आज। अमित शाह यूपी बीजेपी की आज क्लास लेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में, और सबसे अहम बात कि मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है। योगी समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक है आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह यूपी बीजेपी की आज क्लास लेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। तो कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी बीजेपी की आज क्लास लेंगे, बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के तमाम बीजेपी नेता बैठक में मौजूद रहेंगे।